एक समय की बात है, एक सुंदर से गांव में यीशु और उसका परिवार रहता था। यीशु का परिवार बहुत ही गरीब था। एक दिन यीशु के दोस्त उससे मिलने उसके घर आते हैं और यीशु उनके लिए चाय बनाकर लाती है। दोस्तों, मुझे कोई काम भी नहीं मिल रहा और मेरे घर की हालत भी खराब होती जा रही है। यीशु, तू चाय तो बहुत अच्छी बनाती है। हाँ यीशु, क्यों ना तुम बाजार में चाय का ठेला लगा लो। पायल सही बोल रही है, चाय के ठेले से तुम्हारा घर खर्चा भी चल जाएगा। हाँ कुणाल, काम तो अच्छा है लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है चाय का ठेला लगाने के लिए। अरे यीशु, तुम चाय का ठेला लगाओ तो सही, पैसे मैं पापा से लेके दे दूंगा। यीशु अपने दोस्तों की बात मान लेती है और बाजार में एक चाय का ठेला लगा लेती है। और पहले ही दिन यीशु की चाय पीने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। चाय, गरम चाय, चाय ले लो चाय। सुना है गांव में एक लड़की बहुत अच्छी चाय बनाती है। हाँ चलो चलो भाई, चाय पीने चलते हैं। यीशु के चाय का व्यापार अच्छा चलने लग जाता है और एक साल बाद यीशु की दुकान एक बड़ी होटल में बदल जाती है। काश पायल और कुणाल भी मेरे साथ होते। एक दिन पायल और कुणाल एक बड़ी होटल में चाय पी रहे होते। कुणाल, सुना है यीशु ने बहुत बड़ी होटल खोल ली है। हाँ पायल, लगता है अब वो हमें भूल गई और अमीर बन गई। और वेटर उनके पास बिल लेके आता है। ये लो मैडम आपका बिल। अरे पैसे तो मैं घर पे भूल गया। कुणाल अब क्या होगा? पैसे हम घर पे भूल गए, हम आपको वापस आके पैसे दे देंगे। नहीं नहीं सर, पैसे आपको अभी देने होंगे, नहीं तो हम आपको जाने नहीं देंगे। वेटर और कुणाल की बात सुनकर यीशु भी वहाँ पे आ जाती है। अरे वेटर, इतना शोर क्यों मचा रहे हो? देखिए ना मैडम जी, ये चाय के पैसे नहीं दे रहे। यीशु कुणाल और पायल को देखकर चौंक जाती है। अरे कुणाल, पायल, तुम दोनों इतने दिन कहाँ थे? अरे यीशु, ये तुम्हारी होटल है। वाह यीशु, तू एक अमीर लड़की बन गई। पायल, कुणाल, ये जो भी हुआ है ये आपकी वजह से हुआ है। आज तुम नहीं होते तो मैं यहाँ नहीं होती। यीशु, तू हमारी दोस्त है, तेरी मदद करना हमारी जिम्मेदारी है। हाँ यीशु, एक सच्चा दोस्त एक सच्चे दोस्त के काम आता है। बच्चों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें सदा अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए।